एक साड़ी को बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? एक रोज जो है डाई में, एक दिन सिलेंडर में, एक दिन पॉलिश में। कितने धागे का यूज कर रहे हैं? 9600 धागे का यूज है। हम कम मेहनत करते हैं तभी बीवी बच्चे खाते हैं ना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 21,000 नहीं, 2,13,000 साड़ी है ये। हाँ, साड़ी हेलो गाइज, दिस इज योर जो। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बनारस जो है वो बनारसी साड़ी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। विश्व भर में यहाँ पे दूर दूर से सिल्क की साड़ियाँ खरीदने के लिए आते हैं। और ऐसे ही हम जाने वाले हैं आज जहाँ पे बनती है बनारसी, प्योर बनारसी सिल्क की साड़ी, वो फैक्ट्री विजिट करने वाले हैं। और ये हमारा है वांडर स्टेशन हॉस्टल का कॉमन रूम, तो हम लोग अभी वांडर स्टेशन हॉस्टल से जा रहे हैं बनारसी सिल्क साड़ी फैक्ट्री। Stay tuned, guys. So here we have Ashutosh, owner of Wonder Station, and you are also joining now with us for Sari Factory. What's your name? My name is Tanya. And you? Sneha. So we all are going together to visit Sari Factory. So let's go, guys. Guys, we are going through the streets of Varanasi again. जितनी बार भी आप इन वाराणसी की स्ट्रीट्स में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना एक टची सा फील होगा। गलियों से जब निकल के जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि, मतलब मुझे तो पर्सनली ये लग रहा है कि मैं यहाँ की बनारसी हो गई हूँ, बनारस की ही हो गई हूँ। तो ये दीजा स्ट्रीट्स, दी स्ट्रीट्स आर सो कलरफुल। Hey Ashutosh, so how's your experience in this auto? Auto में तो मैं रोज ही बैठते हो मेरा। Once in a while, once in a month, क्या बोलूँ मैं? And girls, how are you feeling? कि कैसा लग रहा है आपको फैक्ट्री में विजिट करने जा रहे हो तो क्या आपको देखने को मिलेगा? Very excited हाँ, I have an experience this year in Varanasi, so it's for the first time. So yeah. Let's see, अभी कोई hope expectations नहीं है क्योंकि first time है। हाँ, okay. मेन रोड ऑफ वाराणसी और वहाँ से रिक्शाज ऑटोज यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। बारिश आने के बाद मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, तो हम लुक उठा रहे हैं सुहावने मौसम का। तो हम आए अभी रेवड़ी तालाब, जो कि बनारस का एक छोटा सा मोहल्ला है, और यहाँ पे हम आए फैक्ट्री विजिट करने की। आपको दिखाना चाहती थी जो बनारसी साड़ी, जिसके लिए बनारस जाना जाता है, वो एक्चुअल में बनाई कैसे जाती है। तो ये है हमारे साथ, क्या नाम है आपको भैया? अंसार अहमद। तो देखिए एक साड़ी को काम कर रहे हैं, ये डिज़ाइन दिखाएंगे एक बार आप। तो फाइनल जो रेडी होता है, ये तो बैक साइड है ना साड़ी की, तो फ्रंट दिखाएंगे, फ्रंट कैसे देख सकते हैं? अभी नहीं है, अभी नहीं, तो खिंच जाएगा। ओके, कौन कौन से धागे का यूज कर रहे हो? ये कतान है, ये भी कतान है, ये सूत है, मेहंदी ऑरेंज, ये सोना तार। ओके, ये चार धागों का यूज। ये मजंटा, मजंटा गोल्ड, ये इसमें है ना? हाँ जी, हाँ जी, गोल्ड मजंटा। ये रूपा, ये रूपा तार है, रूपा तार। ओके, ये मशीन है जिस पे हैंडलूम का काम होता है। एक साड़ी को बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? एक हफ्ते। एक हफ्ते? 8 दिन में बना दोगे साड़ी? तो ये धागे पे डिपेंड करता है कितने दिन लगेंगे। मेहनत पे, मेहनत पे। तो कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटा करते हो, 8 दिन में एक साड़ी तैयार कर लेते हो? सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे। अरे वाह, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। 15 दिन हाँ, नहीं तो 15 दिन। अच्छा, चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपका काम देख के। और इधर आप क्या बना रहे हैं? आप भी साड़ी बना रहे हैं? जाऊँ? ओके, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ से जाना। ओके, आप भी साड़ी बना रहे हैं? जी हाँ। दिखाएंगे आपका डिजाइन थोड़ा सा? ऐसे क्या डिजाइन दिखाई दे? क्या नाम है आपका? बसीर अहमद। ओके, ये उल्टा है, ये उल्टा है, पता है मुझे, दिखाई दे रहा है। अच्छा, शीशे से दिखाएंगे। ओके, ये आपको दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है, ये देखिए, थोड़ा सा हल्की से झलक देखने को। हाँ, ये बहुत ही सफाई वाला काम कर रहे हैं, बहुत सफाई वाला। अरे ये बहुत मेहनती, मेहनत का काम है। आप भी 10 घंटे काम करते हैं? जी हाँ, ये भारी रकम है ना जी, ये कम से कम 70,000 की साड़ी बनेगी। ये तो फैक्ट्री है, इसलिए यहाँ का जो प्राइस है 70,000 है। अगर आप यही किसी बड़ी शॉप या शोरूम से जाके खरीदोगे तो हो सकता है डबल प्राइस आपको मिले। दो तरह के लूम होते हैं, एक होता है हैंडलूम, दूसरा पावर लूम। क्योंकि हैंडलूम का पूरा फैक्ट्री है भाई, सब हैंड से हैंडमेड साड़ी, ब्लाउज, सूट, दुपट्टा, जो कि बनारस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बना रहे हैं। इधर भी हैं भैया, आपका क्या नाम है भैया?
फिरोज मेहनत का काम कर रहे हैं अभी। एक सेकंड आ रही हूँ। ये कुछ कहना चाहते थे, क्या कह रहे थे आप भैया? आपका मेहनत करते हैं तभी बीवी बच्चे खाते हैं ना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत मेहनत का काम है तभी आपका घर भी चलता है। इससे 8 घंटा आपकी तब कमाता जी। शुक्रिया, हम अब यहाँ से जाएंगे, नेक्स्ट पावर लूम देखना है हमें, ठीक है जी? चलिए भैया। हरियाणा से? हरियाणा जी। साड़ी भी डाई होती है? हाँ जी, दिखाओ। दिखाए? हाँ बिल्कुल दिखाओ, इन गलियों में से लेके चलो। इधर हाँ, खुला आ गई है, खुला है, डाई आ गई जी। चलिए, ये इधर डाइंग का होता है, तानी जोड़ते हैं लोग, तानी। हाँ, इसको जोड़ना कहते हैं, जब जुटेगी ना तब उधर जाएगी साड़ी बिनाएगी। ओके ठीक है, समझ गए। समझ गए ना? हाँ समझ गई मैं तो। व्यूअर्स पता नहीं समझे कि नहीं, मैं तो समझ गई। ओके, ये डाइंग का काम हो रहा है। सलाम वालेकुम। देखिए, ये हमारे बड़े खास आदमी है, ये मौली साहब है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हुसैन। ओके, ये मतलब ये कौन सा स्टेज है? ये पेवर टसर कपड़ा है। अभी ये तो बहुत हार्ड है एकदम। हाँ अभी हार्ड है ना, ये अभी बनेगा। अच्छा, बनेगा तो ये कपड़ा एकदम सॉफ्टी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा बनने के बाद। इसमें कैसा क्या यूज करते हो जिससे सॉफ्ट हो जाता है ये? सॉफ्ट ये रोला होगा, माली होगी है, ये इसमें फिनिशिंग होगी तो इसमें लाइट बात सब बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें डाई हो चुकी है फाइनल? या और भी कुछ करना है? डाई सब हो चुकी है। तो इसका ये कलर है, फिनिशिंग बाकी है। हाँ जी, फिनिशिंग बाकी है, फिनिशिंग बाकी है, अभी फिनिशिंग बाकी है। जैसे साड़ी ये लोग तैयार करते हैं, ले जाते हैं, डाई हो जाती है। पहले हैंडलूम का काम होता है इसमें? हाँ, पहले हैंडलूम, हैंडलूम या पावर लूम जो भी होगा, उसके बाद डाई होता है। अच्छा, उसके बाद? फिनिशिंग कैलेंडर होगा, फिर पॉलिश लगेगी। कैलेंडर क्या होता है? एक मशीन होती है, उसमें सीधा होकर जाता है ये कपड़ा। हाँ, इसमें चमक बढ़ती है, लाइट बात बढ़ती है। अच्छा। हाँ, कस्टमर को अच्छा लगे। आपको पूरी नॉलेज है? ओके नाइस, बहुत अच्छा। सबको हमको बताना भी पड़ता है ना। ये पूरी गठरी बांध ली, अब इसको क्या करने जा रहे हैं? फिनिशिंग जा रहे हैं, फिनिशिंग। एक रोज जो है डाई में, एक दिन सिलेंडर में, एक दिन पॉलिश जी। ओके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जैसे जैसे इस मोहल्ले की गलियों में से गुजर रहे थे तो हर जगह हैंडलूम का ही शोर सुनाई दे रहा था हमें। हर जगह इस गली में हैंडलूम का काम होता है, ये बहुत बड़ी मशीन है, ये मशीन से काम हो रहा है यहाँ पे। ये पावर लूम है? हाँ ये पावर। ओके, तो मशीन और हैंडमेड में क्या डिफरेंस होता है, क्वालिटी का डिफरेंस होता है क्या? इसमें जो है रोज साड़ी तैयार होगी, उसमें 15-20 दिन लगता है। इसमें कितने दिन लगता है? इसमें रोज एक दिन। एक दिन, एक दिन में बन जाती है एक साड़ी? तो फास्ट काम होता है ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इम्तियाज। इम्तियाज जी, मुझे ये बताइए, अब ये जो साड़ी है इसकी क्वालिटी में और जो हैंडमेड बनती है उसकी क्वालिटी में कोई फर्क होता है क्या? बहुत फर्क होता है। अच्छा, कम समय में तैयार हो जाता है और उसमें ज्यादा समय लगता है। इसमें कम पैसे में साड़ी तैयार हो जाएगा, उसमें ज्यादा लगता है लागत, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होता है। मतलब ये धागा सेम है, ये धागा इसमें और उसमें सेम यूज करते हैं? नहीं नहीं, उसमें महंगा वाला लगता है। अच्छा, और इसमें सस्ता वाला? क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है, इसमें रेट का फर्क पड़ जाता है। वो साड़ी 50,000 की तो ये 10,000 रुपए की रहेगी। अच्छा। बहुत ही नैरो सा मोहल्ला जहाँ पे हम लोग आए हैं हैंडलूम देखने के लिए, हैंडलूम की फैक्ट्रीज देखने के लिए। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू आशुतोष, जो आप हमें यहाँ लेके आए, और इट वॉज रियली ए डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस। तो ये स्ट्रीट ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम। हमने फैक्ट्री विजिट कर लिया है, फैक्ट्री के बाद हम लोग जाने वाले हैं एक आउटलेट पे, शोरूम पे, जहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग साड़ी का कलेक्शन। तो हम लोग अभी चल रहे हैं इस ऑटो में। नमस्कार जी, सो हियर वी आर एट ताज स्टेट और इनके पास है बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन ऑफ साड़ीज, सूट्स एंड दुपट्टाज। हेलो सर, इंद्रजीत जी एंड अजय सिंह सर, आप मुझे एक दो साड़ी या सूट ऐसा कुछ दिखाएंगे, मेरी ऑडियंस देखना चाहेगी कि आपके पास किस टाइप का कलेक्शन है।
यहाँ पे साड़ी का बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट टाइप का कलेक्शन है. दिस इज अ दुपट्टा जी. दिस इज ऑर्गेंजा. ऑर्गेंजा तो ये प्योर सिल्क में है. प्योर हैंडलूम. दिस इज कड़वा वर्क. कड़वा वर्क. दिस इज कड़वा ऑल ओवर कड़वा. ओके ओएमजी 40,000 का दुपट्टा. खोल के बनारसी की प्योर रियल जरी आएगी मैम. इसका प्राइस देख लो पहले. 213,000 साड़ी है ये. हाँ, साड़ी बनाने में कम से कम 3 महीने लगते हैं. 3 महीने. 2 लाख की साड़ी है ये और 3 महीने लगते हैं इसको बनाने. कॉस्ट ही मैम 75,000 आएगा लेबर कॉस्ट. तो मैडम क्या कह रहे हो आप, शादी के लिए परचेज करोगे? हाँ डेफिनेटली मैम कर सकती हैं. अब इतना प्रेशर आएगा तो इंसान क्या बोलेगा. ये जो मैडम शादी करेंगी ना, ये उनके लिए स्पेशली यहाँ से जाएगा. ये लेकिन निमंत्रण हम लोगों को देंगे. ये मैम पे लगाइए, उनकी शादी में उनको पहनना है. तो आपकी साड़ी वाली गर्ल मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ी में कैसी लग रही है? 2 लाख की साड़ी तो वीडियो में पहनी है भाई, रियल में तो बहुत मुश्किल है. अच्छा लग रहा है. ब्राइट है मेरे लिए. वाओ ये भी 213,000 की है. इसमें प्राइस बना हुआ, प्राइस भी देखना चाहिए. टैक्स लगा है सबसे. दिखाओ दिखाओ, प्राइस तो बहुत जरूरी है दिखाना. पहला वीडियो होगा मेरे हिसाब से ये ताजी. 2,05,000 कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है. It looks nice. I think more than seeing once you put it on yourself it looks good. Yeah. मैडम बहुत अच्छा लगेगा आपको जो पूरा फोन है. तो मैम के भी जब शादी होगी तब मैम भी. अच्छी लग रही है. तो एक कैटवॉक करें साड़ी को पहन के, द मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ी को पहन के. जब तक दिखेगा नहीं तब तक इसका पता नहीं चलेगा. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत ही अच्छा कलेक्शन हमें दिखाया और हम लोग अभी यहाँ से अलविदा करेंगे आपको. फिर मिलेंगे सर जरूर. और मैं अपने व्यूवर्स को सजेस्ट करूंगी, कभी भी आप बनारस आए तो ताज एस्टेट हियर आ सकते हैं. बहुत ही अच्छा कलेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस और वैरायटीज का कलेक्शन आपको यहाँ मिलेगा. ताज एस्टेट कैंटोनमेंट, इसका ध्यान जरूर रखें, नियर क्लार्क होटल. ओके थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू.